नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सुंदरियाल इस वक्त कोटद्वार देवी रोड पे ठीक स्कॉलर्स एकेडमी का गेट है और उसके ठीक सामने इस वक्त मैं हूँ। और यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह है, आजकल आत्मनिर्भर एक शब्द है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, आत्मनिर्भर समाज हो, ये लगातार हमारे आम बोलचाल के शब्दों में लगातार आ ही जाते हैं। आज जो सबसे ख़ास वजह यहाँ पर आने की है वो यही शब्द मुझे हमारी पूरी टीम को यहाँ पर खींच के लाया है। आज हम आपको जिन ख़ास मेहमान से मिलाने वाले हैं, उन्होंने इसी शब्द को अपने जीवन में इतना आत्मसात किया कि एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा अपना जीवन सेटअप होते हुए भी उन्होंने इस शब्द के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए और अपने आप में आत्मनिर्भरता जगाने के लिए अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। और मुंबई से चलकर जिन्होंने अपनी यात्राएँ शुरू की है और जो कोटद्वार गढ़वाल के द्वार पर आके जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, ये वाकई में एक बहुत ही शानदार पहल है। तो उन्हीं के बीच हम आएंगे और कोटद्वार में पहली बार मैं कहूँगा कि स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड का यहाँ पर बहुत सारे कोटद्वार में ये है कि हर 10 कदम पे हमें फ़ास्ट फूड की दुकान मिल जाती है, लेकिन स्ट्रीट फूड और वो भी महाराष्ट्र का एकदम प्योर, जैसे महाराष्ट्र का मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र के लोगों ने भी जिससे आत्मनिर्भरता अपने शुरू की पाव भाजी से, उस पाव भाजी को गढ़वाल तक लाना और गढ़वाल और पहाड़ के लोगों को टेस्ट करवाने का जिम्मा जिन्होंने लिया है वो उनके पास हम पहुंचे हैं। हम पहुंचे मुंबई पाव भाजी में यहां पर और हम सर से बात भी करेंगे कि किस तरह से उनका जो सफ़र रहा मुंबई से और गढ़वाल के द्वार तक। एक छोटा सा शहर है कोटद्वार, खूबसूरत सा शहर है, यहाँ पर स्टार्टअप करना, फूड के तौर पर स्टार्टअप करना और पाव भाजी को लाना, ये अपने आप में एक अनोखी बात है। तो हम चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सर से पूछेंगे। इस वक्त 5 बजे के बाद मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर होता है। मैं 2-3 बार पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लगातार इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि आपका नंबर आना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो कोटद्वार के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सर से सबसे पहले आपका, सर हमारे चैनल पे हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का स्वागत है, कोटद्वार में भी स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ये स्टार्टअप बहुत आगे तक जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सर, किस तरह से आप बताइए मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और पाव भाजी के रूप में गढ़वाल के द्वार तक पहुँचा है, किस तरह से सर? जी, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जय श्री राम। मैं सचिन ममगाई और ये हैं मेरी श्रीमती मीनाक्षी ममगाई जी। तो मुंबई में रहते हुए लॉकडाउन के समय में तो हमने कुछ अलग करने का सोचा। हमने कहा क्यों ना इस समस्या को संभावना बनाया जाए। तो समस्या को संभावना बनाने का जब उपाय हम ढूंढ रहे थे तो उस समय में बस एक ही मन में जो विचार चल रहा था वो ये था कि अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में वापस जाया जाए। क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो कहीं ना कहीं जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है उस जगह पर आपका वापस आना और उसके प्रति आपका कोई ना कोई कर्तव्य या कर्ज ज़रूर रहता है। तो वापस आना और अपनी मातृभूमि यानी कि गढ़वाल और कोटद्वार में आना, यहाँ पर एक नया फूड, ये एक लंबी कहानी है, किंतु छोटे में यही कहूँगा कि हमने यही सोचा था कि हम यहाँ पर एक नया टेस्ट लेकर आएंगे। तो नया टेस्ट जब बहुत मंथन किया, मंथन करने के बाद ये निकला कि वड़ा पाव जब 200 साल से महाराष्ट्र में राज कर सकता है तो, और ये एक अच्छा फूड है, एक हेल्दी फूड है, तो क्यों ना इसे यहाँ पर भी आप ही सभी की सेवा में लाया जाए। दरअसल जब हम देख रहे हैं यहाँ पर फास्ट फूड की आंधी आई हुई है, तो फास्ट फूड में जैसे कि हम देखते हैं कि है तो बहुत तेज़ी से बन जाता है, किंतु उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सॉसेस हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होने जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस तो एक्चुअली इस्तेमाल होते ही नहीं है फास्ट फूड में। तो पाव भाजी जो हमारे माइंड में आइडिया आया था और वड़ा पाव जो आइडिया आया था, इसमें ख़ासतौर से ये है कि इसमें अजवाइन है, काला नमक, सफ़ेद नमक तो सभी लोग खाते हैं, काला नमक है, सफ़ेद वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, अजवाइन है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। स्ट्रीट फूड का मतलब इसीलिए स्ट्रीट फूड होता है क्योंकि स्ट्रीट में वो बिल्कुल ताज़ा सबके सामने बनाया जाता है। पहले के समय में भी यदि आप देखेंगे, यदि आप आज जलेबी खाने जाते हैं, समोसे खाने जाते हैं तो वो आपको स्ट्रीट में ही अच्छे मिलेंगे, किंतु रेस्टोरेंट में क्योंकि फ्रोज़न है आज की चीज़ें, जैसे कि आप सच्चाई से सभी अवगत हैं, किंतु पाव भाजी के अंदर देखिए एक तो सबसे पहले ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, इसमें बासी सब्जी इस्तेमाल होगी तुरंत बास मार जाएगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि जो मसाले हैं मैं महाराष्ट्र से लेकर आया हूँ, कोल्हापुरी मसाला, आगरी मसाला, घाटी मसाला, इसका मैंने एक साथ पैकेट पहले मंगवा दिया था अपने लिए स्वयं, और फिर जब ये अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा तो आप सबकी सेवा में भी इसको मैंने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आप लोगों को दिखाएंगे
किस तरह से भाजी तैयार होती है, किस तरह से उसका उसका खुशबू है, उसका रंग है, वो एकदम आपको देखते ही ऐसा लगेगा एकदम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इतने शानदार मसाले उसमें पड़े हुए होते हैं और फिर भैया का इतना प्रेम से और इतने अच्छे से वो ट्रीट करता है हर एक कस्टमर को। जब भी मैं यहाँ पे 2-3 बार पहले भी आया हूँ और इतने प्यार से आप देते हैं कि उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है भैया, और इसमें टेस्ट इतना शानदार है। तो मैं आप लोगों को अब सीधा ले जाता हूँ कि किस तरह से वो भाजी का जो टेस्ट और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन होती है, तो देखते हैं। तो हम जानेंगे मैडम से भी, हम जानेंगे भैया के अर्धांगनी है हमारे साथ और वो भी इसमें उनका पूरा सहयोग कर रही हैं और उन्होंने भी आत्मनिर्भर होने के लिए जिस तरह से पूरा ये स्टार्टअप शुरू किया है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, मुंबई से उन्होंने अपना पूरा सफ़र शुरू किया और कोटद्वार तक वो पहुँचे, गढ़वाल तक पहुँचे, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और सब कुछ होने के बाद आत्मनिर्भर होना और अपने लिए कुछ स्टार्टअप करना किस तरह का होता है और क्या उनका अनुभव है, हम जानते हैं मैडम से। मैम आप प्लीज़ थोड़ा बताइए कि किस तरह से आपका सफ़र रहा। जी नमस्कार, मैं मीनाक्षी मामगाई और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूँगी कि आप यहाँ पर आए। आपकी हिंदी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मुझे आपकी हिंदी इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं उत्तराखंड की बेटी ना सिर्फ यहाँ पर पाव भाजी बेचने आई हूँ, आप लोगों को खिलाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ, आपने मैंने मेरा हुनर तो आपने देख ही लिया है, काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं, मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जिस जो मैंने शिक्षा ली है उस शिक्षा का भी मैं उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ उपयोग करूँ, मेरी शिक्षा किसी प्रकार से उत्तराखंड के लिए काम आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी उत्तराखंड का। थैंक यू मैम। और हम आपको बता भी दें कि मैडम MSc BEd है मैथ्स से और मैथ्स की टीचर भी रह चुकी हैं और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं स्कूल में मुंबई में। तो आप, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप ये इच्छा शक्ति देखिए, ये समर्पण का भाव देखिए, ये कर्मठता देखिए, अपने कर्तव्य परायणता देखिए कि किस तरह से एक हायर एजुकेशन लेकर के भी आत्मनिर्भर होने के लिए और अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किस तरह से हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं मैम और मुंबई में स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, मैथ्स से MSc BEd हैं और गढ़वाल में आके मुंबई से सफ़र शुरू किया। और भैया बता चुके हैं, हम आपको ये भी बता दें, भैया एस्ट्रोलॉजर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, मतलब एक पूरी फहरिस्त है आप ये लगाइए। और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और उन्होंने ठान लिया था, ये इच्छा शक्ति को नमन है कि किस तरह से उन्होंने कोटद्वार में आकर, गढ़वाल में आकर इस टेस्ट को हमें दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों लोगों का पहले मैं करना चाहता हूँ और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से, आप देखिए ये मसालों का टेस्ट और भाजी का किस तरह से अरोमा निकल के आ रहा है। ये पूरे के पूरे मैम देसी मसाले हैं, कोई विदेशी इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं है, विदेशी मसाले इस्तेमाल नहीं है। तो देखिए हमारी पहल हमेशा यही रही है कि जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं या किसी चीज़ का भी कोई भी आदान प्रदान हो रहा है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहे, इससे बाहर कुछ भी ना जाए। इसके सारे मसाले हिंदुस्तानी हैं, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। तो अब हम अपने प्लेट पर एक पाव भाजी और वड़ा पाव यहाँ का टेस्ट भी करेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का है। और तो अब सब्र भी नहीं हो रहा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं दर्शकों से प्लीज़, कैमरे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैमरा रिकॉर्ड भी कर लेता है, आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन खुशबू नहीं दिखा पाता। और इसीलिए वो ऑनलाइन वगैरह की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो खुशबू है वो दर्शकों तक अगर आपको फील करनी है तो आपको यहाँ पे आना होगा। और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइए, यहाँ की एक वाइब ही अलग है, एक एनर्जी ही अलग है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और हम ज़रूर यहाँ पे टेस्ट करेंगे एक पाव भाजी और एक वड़ा पाव। तो हम टेबल पे मिलते हैं आपको, शुक्रिया। वड़ा पाव
देखिए पाव भाजी और बड़ा पाव हमारे टेबल पे आ चुका है, और मैं सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूँ आप क्लोजअप करेंगे और भाजी को देखिए, ये जो ग्रेवी है ये पूरी की पूरी मिक्स वेज है और फ्रेश वेजिटेबल्स है, और सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि ये पूरे इंडियन मसालों के द्वारा बनी गई है। इसमें कोई भी सॉस यूज़ नहीं किया गया है, इसमें कोई भी टेस्ट मेकर या अजीनोमोटो का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे इंडियन फूड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें प्योरिटी बहुत शानदार रहती है। चाइनीज़ फूड देखेंगे हम, मंचूरियन की ग्रेवी चखते हैं और कई चीज़ों की ग्रेवीज है चाइनीज़ फूड में, और कोडवार तो अब बन चुका है एक तरह से, तो उसमें जहाँ भी आप देखेंगे उसमें सॉस और टेस्ट मेकर यानी कि अजीनोमोटो खास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए, और वही असली चीज़ होती है चाइनीज़ फूड में जो यहाँ पर परोसी जाती है। अब यहाँ देखिए पाव भाजी का इतना शानदार कलर और इतना शानदार टेस्ट आया है, टेस्ट हम अभी इसको चखेंगे। और वड़ा पाव भी देखिए, वड़ा पाव एक तरह से आप कह सकते हैं देसी बर्गर है, और कितना शानदार फिलिंग है इसकी देखिए, आप टेस्ट करके पता चलेगा ये कैसा है, लेकिन दिखने में 100 out of 100 मतलब बहुत शानदार कलर है और बहुत शानदार, बहुत हेल्दी है, कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है जो बाहर के हो और कुछ भी गलत सॉस नहीं है। आइए चखते हैं फिर और टेस्ट करते हैं किस तरह से ये कैसा इसका टेस्ट। पहले पाव भाजी चखेंगे हम, देखिए पाव हमने ले लिया और हम टेस्ट करते हैं। इसकी खुशबू बहुत शानदार है, सच में बहुत शानदार खुशबू है, और जब प्योर चीज़ की कोई खुशबू होती है तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। खुशबू तो चाइनीज़ फूड में भी आती है, लेकिन आप सभी को पता है कि वो इतना हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, तो और ये एकदम प्योर मसालों की खुशबू, खड़े मसाले और स्पेशल महाराष्ट्र के मसाले हैं ये, तो ये टेस्ट करते हैं। प्योर चीज़ और इंडियन मसालों के साथ इंडियन खाना और क्या चाहिए, बहुत शानदार स्ट्रीट फूड और बहुत शानदार इसका टेस्ट है। मसालों की और खड़े मसालों की खासकर काली मिर्च और इलायची, हल्की सी उसकी उसका टेस्ट भी आ रहा है, और बाकी तो इंडियन मसाले जो बता भी रहे थे भैया कि इसमें महाराष्ट्र के वो स्पेशली पाव भाजी के लिए मसाले लाते हैं, और सच में उनका टेस्ट बहुत शानदार आ रहा है, तो क्या तारीफ करें, बहुत शानदार है। नंबर तो क्या दें, नंबर तो लाए हम, है नहीं 10/10। और अब चलिए देखते हैं इंडियन बर्गर, बहुत शानदार है वड़ा पाव। लगभग 200-250 साल से महाराष्ट्र का ये टिपिकल फूड है, जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने गरीब निचले से निचले तबके के व्यक्ति ने महाराष्ट्र में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जिस बिज़नेस को चुना था, 80 से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने वड़ा पाव को चुना है। वड़ा पाव के स्टॉल आपको महाराष्ट्र में लगभग हर 10-20 कदम पर एक एक स्टॉल मिल जाएगा। तो अब देखते हैं पाव भाजी एकदम शानदार, और बड़ा पाव भी देखते हैं, बड़ा पाव भी उतना ही शानदार होगा, एकदम शानदार फीलिंग है इसकी, देखते हैं। अद्भुत, बहुत शानदार है, ये जो वड़ा है अंदर इतनी शानदार फीलिंग है, ये देखिए एकदम प्योर मसालों की और जो खुशबू है अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मैं यही कहूँगा आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे और एक बार आकर के ज़रूर इंडियन फूड को टेस्ट करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना हम लोगों ने चाइनीज़ फूड को प्रोत्साहन दिया है, जितना हमने उसे अपना पैसा अपना वक्त दिया है और अपना शरीर भी दिया है चाइनीज़ फूड को, अगर हम इंडियन फूड को और इस तरह के स्टार्टअप को, इस तरह की इच्छा शक्ति वाले लोगों को मौका दें और उन्हें प्यार दें, और प्यार जो लगातार मिल ही रहा है गुरुद्वार में, इतना शानदार रिस्पांस है पिछले 2.5 महीने से जब से ये स्टार्टअप शुरू हुआ है, ये मैं सच में कह रहा हूँ कि इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है कि एक एक ऑर्डर को आने में 20-25 मिनट हमें वेट करना पड़ता है। मैं पहले 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और लगभग मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा था अपने एक प्लेट पाव भाजी के लिए, तो सच में बहुत शानदार टेस्ट है, बहुत दिल से भैया और भाभी दोनों यहाँ पे बनाते हैं, और जिस प्यार से और जिस लहजे से वो हमें परोसते हैं, तो
आप यूँ मानिए कि इसका टेस्ट सच में हज़ार गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आइए, यहाँ पर इन्हें टेस्ट करिए। और मेरी नई सीरीज़ जो मैं शुरू कर रहा हूँ उस वीडियो से फूड ब्लॉगिंग की, अभी तक पोइट्रीज और स्टोरीज भी मेरे चैनल पर थी, तो इस सीरीज़ का भी मैं नाम रखूँगा पोइट्री किचन विद पीयूष। और इस सीरीज़ में मेरी सारी फूड ब्लॉगिंग की वीडियोज़ आएंगी। तो पोइट्री किचन विद पीयूष में जुड़ते जाइए, जुड़े रहिए और मैं अपना प्यार दीजिए, समर्थन दीजिए। और मैं लगातार ऐसे लोगों तक पहुंचता रहूँगा जो खुद के कदमों पर खड़े होने के लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। तो जुड़ते जाइए हमारे साथ। और आखिर में कहूँगा कि साथ दीजिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं इस तरह के, क्योंकि चमन अख्तलात में रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ज़रूर आइए और जुड़े रहिए यूँ ही। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम।